आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं BSNL की न्यू VPN सेटिंग के बारे में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने BSNL सिम के ऊपर इंटरनेट स्पीड को फिक्स करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसको आप किसी भी फ़ोन के ऊपर BSNL सिम कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी आपके BSNL सिम के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जाना है आपको सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप करना है। इसके बाद आपके जिस भी सिम स्लॉट के ऊपर BSNL लगा हुआ है उसके ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और ये VPN का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रीसेट के बटन पर टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यू VPN का ऑप्शन मिलता है या फिर प्लस का साइन दिखता है, इस पर टैप करते ही आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपको पूरा फिल करना होता है। तो सबसे पहले नेम का ऑप्शन है, नेम के ऊपर आप टैप कीजिए। आपको नेम के अंदर लिखना है BSNL स्पेस अल्ट्रा, देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम लिख दीजिए एंड ओके कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका VPN का, VPN के ऊपर आप टैप करेंगे। यहाँ पे आपको BSNL नेट लिखना है पूरा स्मॉल लेटर्स में बिना किसी स्पेस के, देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन है जो कि नॉट सेट रहेगा, फिर पोर्ट का ऑप्शन है जो कि नॉट सेट रहेगा। इसके बाद है यूज़र नेम का ऑप्शन, आपको यूज़र नेम पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड बॉट बिना किसी स्पेस के। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने लिखा है सेम टू सेम लिखना है एंड देन ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन है जो कि आपका नॉट सेट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्वर का ऑप्शन है, सर्वर के ऊपर आप टैप कीजिए एंड यहाँ पे आपको लिखना है www.google.com। इतना लिख करके आपको ओके कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे MMSC नॉट सेट रहेगा, फिर MMS प्रॉक्सी ये भी नॉट सेट रहेगा। इसके बाद MMS पोर्ट है, ये ऑप्शन भी आपका नॉट सेट रहेगा। इसके बाद MCC MNC आपके एरिया कोड्स होते हैं, इसको आपको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑथेंटिकेशन टाइप का ऑप्शन, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करेंगे PAP और CHAP। APN टाइप आपका यहाँ पे आपको नॉट सेट पे छोड़ देना है। फिर है APN प्रोटोकॉल, इस पर टैप करके आपको IPv4/IPv6 सेलेक्ट करना है और रोमिंग प्रोटोकॉल के अंदर भी आपको IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे बियरर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे और यहाँ पे आपको अनस्पेसिफाइड के टिक को हटाना है और LTE से स्टार्ट करते हुए GPRS तक सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद आपको सिंपल सा ओके कर देना है। इसके बाद MVNO टाइप का ऑप्शन है, ये भी आपका नॉट सेट रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे या फिर मोर के ऑप्शन पे टैप करना है, सेव करना है अपने APN सेटिंग्स को एंड आपको वापस आना है अपने APN वाले पेज के ऊपर, अपने BSNL के नए APN पे क्लिक करके टैप करके उसको आपको इनेबल कर देना है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको आपके फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है और यहाँ से आपका APN पूरा सेटअप हो चुका है। अब आप इंटरनेट स्पीड को भी चेक कर सकते हैं और इंटरनेट यूज़ करके भी देख सकते हैं, आपको जो इंटरनेट स्पीड मिलेगी वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अगर आपके लिए वीडियो काम कर रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें।